महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कलानीच्या नऊ नगरसेवकांनी व्हीपचे उल्लंघन करून महापौर निवडणुकीत शिवसेनेच्या लीलाबाई आशान यांना मतदान केलं होतं. या प्रकरणी कोकण आयुक्तांनी याचिका फेटाळून लावत नऊ नगरसेवकांना दिलासा दिला. त्यावर आता भाजप नगरसेवक राजेश वधारिया यांनी विधान केले आहे. हा निर्णय कोकण आयुक्तांनी दबावाखाली दिला असल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे सांगितले. ये जो ऑर्डर कोकण आयुक्तांनी किया आहे इसमें पूरी तरह से सत्ता की दखलंदाजी हुई है और उसके पुरावे हम हमारी रिट पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय के आगे रखेंगे. ये बीजेपी के संविधान का कुछ उसमें उल्लेख हुआ है. देखिए इसमें पहले उन्होंने जिक्र किया है कि घटनेता को मतलब जमुनादास पुरस्वामी को व्हिप इशू करने का अधिकार नहीं है. तो उसी समय पे जब भी हमने रिटन स्टेटमेंट उन्हें दिया था जिसमें गजानंद सुभाषराव सूर्यवंशी विरुद्ध शरद नामदेव पवार ये रिट पिटीशन नंबर 1993 ऑफ 2012 जो 23/8/2013 को डिसाइड हुई थी इस पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने ये सभी बातों का निवारण पहले से ही किया हुआ है कि अगर पार्टी गठनेता को छोड़ के और किसी को विपर बनाती है विप जारी करने का अधिकार देती है तो उसके लिए उन्हें अलग से अधिकार प्रदान करने पड़ते हैं. लेकिन अगर घटनेता व्हिप इशू करता है तो घटनेता को ही व्हिप इशू करने का अधिकार होता है. इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संविधान की जो बात की है तो भारतीय जनता पार्टी का संविधान ये कहता है कि जो लोकल इलेक्शंस हैं जो एमएलए की इलेक्शंस हैं जो एमपी के इलेक्शन है उस टाइम पे पार्लियामेंट्री बोर्ड वो टिकट देता है और वो सब अधिकार उनके पास रहते हैं. और जब भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन हुई एक महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर महानगर पालिका पार्टी बनी लोकल म्युनिसिपल पार्टी बनी जिसके गठनेता जमुनू पुरस्वाणी जी बने तो उनको पूरा पूरा अधिकार है व्हिप इशू करने का. इसमें कोई दोहरा नहीं है और जो मैंने जजमेंट की आपको बात कही उस जजमेंट में ये बात स्पष्ट है. लेकिन दबाव के आगे कोंकण आयुक्त झुक गए और उन्होंने एक गलत फैसला दिया है जिसको हम रिट पिटीशन के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में आह्वान देंगे. देखिए ये डिसीजन भी इस समय पे नहीं आता था अगर हमारे गठनेता जमुनादास पुरस्वाणी जी माननीय उच्च न्यायालय में नहीं जाते थे और वहाँ रिट पिटीशन दाखिल किया तो वहाँ से ही आर्डर मिला कि 30 नवंबर 2021 तक आर्डर दीजिए. तभी उन्होंने ये पिटीशन चला के ये आर्डर दिया है. इसके बाद जो नगर सेवक बाद में इन्होंने चैलेंज किए हैं जिनकी डिस्क्वालिफिकेशन आज तक उनका नोटिस नहीं निकला है. इसका अर्थ ये है कि कोंकण आयुक्त उनके प्रेशर में काम कर रहे हैं और उसके लिए भी हम जल्द ही हाईकोर्ट जाएंगे. निकलना चाहिए और एक टाइम फ्रेम के अंदर उसका ऑर्डर होना चाहिए. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.